और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी मेहमानों को बताना भाई 70वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप सीनियर नेशनल है जिसका सेमीफाइनल मुकाबला है चंडीगढ़ वर्सेस इंडियन रेलवे के बीच। लेकिन हर हिंदुस्तानी अपन सहरावत अपनी दिल में एक ही चीज रखता है भाई मैन जो टीम ने लगातार से गोल्ड मेडल दिलाए थे रेलवे को उसके सामने शिरकत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैच ऑफिशियल को धन्यवाद देना चाहूंगा और भाई धनराज पिल्ले आपके भाई साथी कबड्डी का रोमांच है। दो भाई आमने सामने हैं गुरदीप सांगवान और नितेश सांगवान। चंडीगढ़ की टीम में गुरदीप खेल रहे हैं तो नितेश खेल रहे हैं रेलवे की टीम में। पवन शेरावत अपनी परमानेंट रेलवे के लिए खेलते थे लेकिन इस समय रेलवे के सामने भाई क्राउड बहुत है साथी। पवन शेरावत भाई पंकज मोहित भाई दोनों खिलाड़ियों ने राइट कॉर्नर को निशाना बनाया है एक तरफ नितेश तो दूसरी तरफ विनय खत्री को। इंडियन रेलवे वर्सेस चंडीगढ़ ये मैच कोर्ट नंबर 1 पे के कोच है डी जगलाकर अरविंद पांडे चंडीगढ़ के कोच है श्री राम कुमार महाराष्ट्र के कोच है बक्योमाल का बैट होल्डर पवन शेरावत ये नाम नहीं भी आंधी है और आंधी चलेगी पवन की इस बार क्योंकि डिफेंस में और रेड में कमाल का प्रदर्शन करता है खिलाड़ी नरिंदर कंडोला और भाई कंडोला को निशाना बनाया सुमित सांगवान ने। और भाई ये पवन शेरावत है फिर से एक और कैच लगा दी पवन ने कभी कॉर्नर कभी भाई राइट इन कभी लेफ्ट इन कभी कवर सब भूमिका निभाएगा ये खिलाड़ी। भाई प्रो कबड्डी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो पवन शेरावत है 2,60,00,000 से ऊपर की बोली लगी है पवन की और भाई शामिल हुए थे तेलुगु टाइटंस में। पंकज मोहित से रेडिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे परवेश सुनील और नितेश जो एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये डिफेंस की जिम्मेदारी संभालने वाले और 5 मैदान आउट है इसको दोनों टीमों के लिए
पांच पांच स्कोर बराबर है। भाई ज्यादातर पुनेरी पलटन की अगर बात करें तो इन दोनों सेमीफाइनल में पुनेरी पलटन के खिलाड़ी दिख रहे हैं। सामने गौरव खत्री, पंकज मोहिते, दूसरी तरफ आकाश, आदित्य, असलम, मोहित गोयत जैसे स्टार खिलाड़ी दूसरे सेमीफाइनल में शिरकत कर रहे हैं। पवन को बहुत समय हो गया बाहर बैठे हुए। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री सदानंद जी खेत्र साहब, आपका हम महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन की ओर से स्वागत करते हैं। भाई 10-6 स्कोर है, 10-6 चार पॉइंट के लीड में रेलवे। टीम के साथ बड़ी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि पवन सहरावत एक बार बाहर गए उनको कोई रिवाइवल नहीं करा पाया। सुरेंद्र गिल, रेड की कमान संभाली है इस बार।
ग्यारह पंद्रह का स्कोर भाई, चार पॉइंट की लीड है, चार पॉइंट की लीड इस समय। रेलवे के पास में चला गया।
भाई साथियों मध्य अंतर के समय 17-18 स्कोर है। 18 भी तो हुआ है। 17-18 स्कोर है भाई। 17-18 मध्य अंतर के समय एक पॉइंट की लीड में समय चंडीगढ़ भाई। चंडीगढ़ एक पॉइंट की लीड में 17-18 स्कोर है। भाई प्रशांत राठी कमाल किए गए सर। भाई स्कोर हो गया 17-19। अब 2 पॉइंट की लीड में आ गई चंडीगढ़ की टीम। राकेश लीड में आ गई इंडियन रेलवे। स्कोर भाई 20-20 स्कोर भाई साथियों। मल्टी पॉइंट रेड थी, बोनस नहीं दिया गया।
हरियाणे में चरकी दादी मैच फिर से लगने लगा है, फिर से मैच लगने लगा भाई भाई साथियों 28-29 स्कोर है, 28-29 एक पॉइंट की लीड है रेलवे के पास। Yeah.
भाई 32-34 स्कोर है, 32-34 दो पॉइंट की लीड में चंडीगढ़ आ गई। भाई साथियों 35-36 का स्कोर है, लास्ट दो मिनट का समय शेष है भाई, लास्ट दो मिनट का 35-36 एक की लीड भाई चंडीगढ़ की, एक पॉइंट की लीड, 35-36 स्कोर है। क्या भाई ये रेलवे का इतिहास बदला जाएगा, 4 साल से लगातार रेलवे जीत रही है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, लेकिन उस बार पवन सहरावत भाई टीम का हिस्सा रहते थे, हर साल कैप्टन रहते थे टीम के, इस बार चंडीगढ़ के कैप्टन हैं, क्या चंडीगढ़ को खिताब दिला पाएंगे। टाइम आउट, भाई अंतिम समय चल रहा है इस मुकाबले का, जाना है।
प्लस प्लस वन भाई, टाई हो गया भाई मुकाबला 37-37 की स्कोर पर भाई टाई हो गया मुकाबला, टाई ब्रेकर मुकाबला भाई, 5-5 रेड देखने को मिलेंगे भाई साथियों, मुकाबला 5-5 रेड पर पहुंच गया, पहला सेमीफाइनल मुकाबला सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 70वीं सीनियर नेशनल, 5-5 रेड देखने को मिलेंगे भाई, चंडीगढ़ रेलवे भाई पहली रेड 5-5 रेड पर ये मुकाबला पहुंच गया है, नरेंद्र कंडोला भाई कामयाबी मिली पहली रेड में, सुनील को टच करके एक पॉइंट अर्जित किया, तो भाई पवन खड़े हैं सामने पंकज मोहिते के, 5-5 रेड पर ये मुकाबला है भाई, पवन सहरावत भाई सामने बिल्कुल लगे खड़े हैं लेकिन हल्के में नहीं ले रहे हैं भाई, ये क्या बेहतरीन प्रयास जरूर किया था ये भाई, हैंड टैकल बहुत मारते हैं पवन, दोनों गौरव खत्री हेड नंबर टू भाई, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला है, काटी तो काट लो भाई पवन, अब पवन तो शायद गोल्डन रेट पे ये सेमीफाइनल पहुंचे, पवन से अलावा भाई साथियों 5-5 रेड पर ये मुकाबला है और दोनों तरफ से भाई एक तरफ से तीन तो एक तरफ से दो रेड, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला है भाई, फर्स्ट हाफ पड़ा हुआ है यूट्यूब पे आप देख सकते हो जाके, सेकंड हाफ भी पड़ने वाला है एक दो मिनट में, सुरेंद्र गिल को पॉइंट दे दिया, तीन तीन रेड हुई है, तीन तीन स्कोर बराबर है भाई, तीन तीन रेड हुई है, तीन तीन स्कोर बराबर है, चौथी रेड राकेश और काली, भाई बैक होल्ड लगा दिया भाई, ये कमाल की कैच लगा दी है और कैच भी किसे लगाई है, राकेश को जो कि एक बेहतरीन रेडर है भाई, कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला गोमान सिंह, क्या गोमान को कैच लगा पाया डिफेंस, वही संघर्ष जारी है और संघर्ष में कामयाबी हाथ लगी गोमान के, भाई लास्ट लास्ट रेड बची है, दो पॉइंट की लीड में इस समय इंडियन रेलवे है, अगर पॉइंट मिला पॉइंट दे दिया भाई, लास्ट रेड अगर कैच लगाएंगे, सुनील है रेड में भाई, सुनील सुनील की अगर कैच हुई तो स्कोर बराबर होगा भाई, फिर से भाई लास्ट रेड है, अगर यहाँ कैच हुई तो स्कोर बराबर हो जाएगा फिर से, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत भी ट्राई करके कैच हो जाए, ए भाई रेडर सेफ हो गया भाई, गुरदीप गुरदीप लाइन क्रॉस कर गया सेंटर लाइन भाई और रेडर सेफ हो गया भाई, कैच जरूर लगी, अगर रेडर सेफ हुआ तो भाई एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट से भाई हरियाणा ने बाजी मारी थी सेमीफाइनल में, क्या ही एक पॉइंट से यहां बाजी मारेगी इंडियन रेलवे, राइट आउट हुआ
पवन सैरावत भाई कैच तो लग गई थी लेकिन गुरदीप राइडर सेफ 43 इंडियन रेलवे 41 चंडीगढ़ भाई रेलवे पहुंचती हुई फाइनल में और रोमांचक मुकाबला था भाई साथियों बहुत जबरदस्त गेम था भाई। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।